ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 21 नवंबर 2023 मंगलवार का दिन है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस दिन आंवला नवमी का महापर्व रहेगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को आंवला नवमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। शतभिषा नामक नक्षत्र होगा तथा कुंभ राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। अगर किसी कारणवश दिशाशूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। अगर किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। राहुकाल जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि राहुकाल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथवा कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहुकाल कई क्षेत्रों में माना जाता है और कई क्षेत्रों में नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव वृश्चिक राशि में, वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में, मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में, बुध ग्रह वृश्चिक राशि में, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में, शुक्र ग्रह कन्या राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहु ग्रह मीन राशि में तथा केतु ग्रह कन्या राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ कर्क कन्या वृश्चिक मकर एवं मीन, ये 6 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में इनको उन्नति और प्रगति के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ के साथ साथ नया काम, नई जिम्मेदारी इनको मिल सकती है। सूर्योदय सुबह 6:41 तथा सूर्यास्त शाम 5:31, चंद्रोदय 12:04 रात में एवं चंद्रमा का अस्त 11:11 दिन में। शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 तक चरखा चौघड़िया, उसके बाद दोपहर 10:30 से लेकर के 12 बजे दोपहर तक लाभ एवं अमृत का चौघड़िया रहेगा तथा 3 बजे से लेकर 4:30 तक शुभ का चौघड़िया रहेगा। इस दौरान आप कोई भी शुभ काम करेंगे, मांगलिक कार्य करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फायदे का संयोग बन सकता है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। परिवार और फाइनेंस संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम आपके सामने आएंगे। पिछले कुछ समय से चली आ रही उतल फुतल भरी जिंदगी से कुछ राहत मिलेगी। युवा वर्ग अपने भविष्य से संबंधित प्लानिंग करें, समय उत्तम है। पैसों के लेन देन में कुछ भ्रम की स्थिति रहेगी परंतु आगे चलकर के सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। किसी की बात पर विश्वास करने से पहले उससे अच्छी प्रकार से जाँच पड़ताल अवश्य करें। अपने साथ काम करने वाले लोगों से, रिश्तेदारों से या पड़ोसियों से आपको मधुर संबंध बना करके रखना चाहिए। उपाय के रूप में घर से निकलते समय सौंफ और मिश्री खाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। भाग्यशाली रंग गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। पिछले कुछ समय से आप जिस कार्य को लेकर बहुत अधिक मेहनत कर रहे थे आज उससे संबंधित अप्रत्याशित लाभ होने वाला है। घर के बड़े बुजुर्गों का प्रेम और आशीर्वाद बना रहेगा। किसी नज़दीकी संबंधी या रिश्तेदार द्वारा कोई शुभ सूचना या अच्छा समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल निर्मित होगा। आपका मन भी बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। किसी मित्र से संबंधित कोई पुराना मामला दोबारा उठ सकता है परंतु उत्तेजित होने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करना उचित रहेगा। और व्यापार में आपको एक नई जिम्मेदारी, नया काम, आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। व्यावसायिक गतिविधियां पूर्ववत रहेगी लेकिन आप जो भी काम करेंगे उसके आगे चलकर के बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। उपाय के रूप में गणेश जी को गुड़ चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग केसरिया होगा।
अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी, मेहमान नवाजी तथा मौज मस्ती में भी कुछ समय आपका व्यतीत होगा। सूझबूझ से लिए गए निर्णय आर्थिक रूप से आपको और अधिक मजबूत और सक्षम करेंगे। काम को पूरा करने के प्रति उत्साह बना रहेगा। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करनी पड़ेगी, परंतु अपने बजट का ध्यान भी अवश्य रखें। भाई बहनों या सगे संबंधियों से लेकर छोटी मोटी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। बेहतर होगा कि अधिक वाद विवाद में न पड़े। कार्यक्षेत्र में सभी निर्णय स्वयं ले, किसी की मदद के बजाय आप स्वयं ही सभी कार्यों को करने में सक्षम रहेंगे। सरकारी नौकरी में किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम में रुचि न ले, अन्यथा मुश्किल आपको पैदा हो सकती है। और उपाय के रूप में गाय को रोटी और गुड़ खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा, भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। अपने संपर्कों का दायरा और अधिक विस्तृत करें, आपके लिए यही फायदेमंद साबित होगा। महत्वपूर्ण तथा अनुभवी व्यक्ति के साथ आपका समय व्यतीत होगा, इसके सकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। घर में मेहमानों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। अपरिचित लोगों से व्यवहार करते समय अपने गतिविधियों को उनके समक्ष जाहिर न करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। कभी कभी स्वभाव में तनाव और चिड़चिड़ापन आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में नारियल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा, भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आज अपने सपनों तथा महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का दिन है। आप जिस काम को भी करने की मन में ठान लेंगे, उसे पूरा करके ही दम लेंगे। भाइयों के साथ चल रहा विवाद समाप्त हो जाएगा तथा आपसी संबंध मधुर हो जाएंगे। भावुकता में आकर कोई भी निर्णय न करें तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बना करके आपको रखना चाहिए। उपाय के रूप में पीपल के पेड़ के नीचे काले उड़द चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा, भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज आप उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे, मेहमानों की आवभगत में समय आपका व्यतीत होगा। दोपहर के बाद अप्रत्याशित लाभ की स्थिति बन रही, अचानक धन लाभ होगा या कोई अच्छे संकेत आपको प्राप्त होंगे। समय का भरपूर सदुपयोग करें। आपकी सकारात्मक तथा संतुलित सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न हो जाएंगे, परंतु खर्च के मामले में ज्यादा दरिया दिली न रखें। किसी व्यक्ति से पैसे संबंधी लेन देन करते समय वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी चिंता आपको परेशान करेगी। और उपाय के रूप में गणेश जी को बेसन से बनी मिठाई चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा, भाग्यशाली रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी मामला अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो आज उससे संबंधित कोई कार्य संपन्न हो सकता है, इसलिए प्रयासरत रहे। बच्चे सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त होंगे, आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दे और अपने काम पर अधिक ध्यान दे। आज किसी भी प्रकार की उधारी देने का काम न करे, क्योंकि पैसा वापिस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किराएदारी संबंधी मामलों में कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। अगर व्यापार में किसी पार्टनर संबंधी कार्य को करने का प्लान बना रहे हैं तो फायदेमंद रहेगा, इसलिए उस पर तुरंत अमल करें। व्यर्थ की गतिविधियों पर समय नष्ट न करें, इसका नकारात्मक प्रभाव आपके कार्यस्थल पर पड़ सकता है। और उपाय के रूप में माँ दुर्गा के मंदिर में सिंदूर चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा, भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज प्रकृति आपको कोई बेहतरीन मौका प्रदान करने वाली है, अतः इस समय का भरपूर जो है उपयोग करें। पारिवारिक व्यवस्था को अनुशासित बनाकर रखने का आपका प्रयास सफल रहेगा। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी योग्यता पर विश्वास रखें। संतान संबंधित कोई चिंता आपको परेशान करेगी, अपने अहम को नियंत्रण में रखना अति आवश्यक होगा। पड़ोसियों से किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बेहतर होगा कि फालतू की बातों पर ध्यान न देकर अपने काम से मतलब रखें। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में यदि आप कोई भी फल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा, भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा।
अब हम बात करते हैं धनु राशि की। दिन की शुरुआत बहुत ही सकारात्मक विचारों से करें। व्यक्तिगत तथा आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने संबंधी योजनाएं बनेगी। दोपहर बाद आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने वाली है। कोई शुभ सूचना या अच्छा समाचार भी मिलने वाला है। बच्चों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करने में आपको खुशियां प्राप्त होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। उपाय के रूप में शंकर भगवान को कच्चा दूध और जल मिलाकर के चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज किसी दीर्घकालिक लाभ की योजना पर कार्य शुरू हो सकता है। पिछले कुछ समय से चली आ रही किसी चिंता का समाधान मिलने से मानसिक शांति आपको अनुभव होगी। कामकाज तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना चुनौती रहेगी, परंतु आप सब कुछ सुनियोजित तरीके से कर पाने में सक्षम रहेंगे। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में काले तिल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आज आपको किसी बड़े व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी। पुराने मित्रों से भी आपकी चर्चा होगी जो आगे चलकर आपको ही फायदा देगी। कभी कभी आपका ध्यान कुछ गलत प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित हो सकता है, इसलिए ज्ञानवर्धक तथा उत्तम साहित्य पढ़ने में अपना समय व्यतीत करें। नया काम, नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत आपको मिल सकते हैं। पुराने रुके हुए कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। घर परिवर्तन संबंधी योजना बनेगी। नौकरी बदलने के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। और उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में केला चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। काफी समय से रुके हुए कार्यों में आज कुछ गति आएगी। आप अपने अंदर अत्यधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आप कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। संतान पक्ष की तरफ से कोई चिंता दूर होने से घर में खुशनुमा माहौल निर्मित होगा। अपने क्रोध व जिद पर नियंत्रण रखें। इसका असर पारिवारिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। और उपाय के रूप में माता महालक्ष्मी को पीला फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।